लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं ममता सवी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचारों पर। मुरादाबाद के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घायल को लेकर पहुंचे कटघर पुलिस के होश उस समय उड़ गए जब घायल के परिजनों की भीड़ भी मौके पर पहुंच गई और हंगामा करने लगे। दरअसल थाना कटघर क्षेत्र निवासी सनी दिवाकर को पुलिस संगीन अपराधी मानते हुए एनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिख दी और घटना को अंजाम भी दे दिया। परिजनों के आरोपों के अनुसार सन्नी की किसी पुराने मामले में तारीख थी और वह बाइक से कचहरी गया था। घर लौटते समय उसे कटघर पुलिस द्वारा उसे कचहरी के नजदीक बालजी मंदिर के पास से उसे उठा लिया गया और रात के समय रामगंगा पुल पर ले जाकर उसके पैर में गोली मारी गई। परिजनों ने कटघर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए उस समय हड़कंप मचा दिया जब उनके द्वारा किसी दीपक मंत्री का नाम लेते हुए कहा कि सन्नी की उससे रंजिश चली आ रही है, जिसके चलते कटघर पुलिस ने पैसे लेकर सन्नी दिवाकर का एनकाउंटर कराया। दीपक मंत्री सत्तारूढ़ दल से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि वहीं इस एनकाउंटर की सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंचे मीडिया कर्मियों को पहले तो अंदर जाने से रोका गया और फिर मुरादाबाद पुलिस हाथापाई पर उतर आई और कैमरे चला रहे मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता करने लगी, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस फर्जी एनकाउंटर मामले में फंस गई है और घायल सनी से किसी को मिलने देना नहीं चाहती। जिस समय पुलिस मीडिया से अभद्रता कर रही थी तो पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया। पुलिस की फजीहत होते देख एसपी सिटी अंकित मित्तल भी पहुंच गए। ये सुबह कचहरी गया था 11 बजे, पूजा वूजा करने के बाद कचहरी चला गया था, वहाँ से इन्हें तारीख दी। जैसे इन्हें कचहरी से गाड़ी निकाली तो 3-4 पुलिस कर्मियों ने इसकी बाइक हाथ से रोक ली। तो इनने पूछा कि बाइक के पेपर हैं, तो इन्होंने मना कर दिया। तो इसके कहते हैं गाड़ी पे बैठो, ये गाड़ी में जैसे बैठा इसे रामगंगा दोलाए वाले थाने पे ले। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बंटी सक्सेना की रिपोर्ट। मुकेश शाही, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते समाप्त। जवेरी को दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, अगर आपके इलाके में कोई घटना घटित हुई है या आपके पास कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं indialivenewschannel@gmail.com पर, या आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in पर। नमस्कार।